बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम है, हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ मज़े का खिला खिला मटर पुलाव, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान वे में, इंस्टेंट पॉट में। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप राइस, और इनको हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के लिए भिगो के रखा है, और उनका पानी अच्छी तरह निकाल लिया है। 2 कप मैंने लिया है चिकन ब्रॉथ, और इसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड है। कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर ज़ीरा, कुछ दालचीनी लिया है, कुछ लौंगे ली हैं 2 बे लीव्स, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च साबित। इसके अलावा 1 कप मैंने मटर लिया है, 1 मैंने ग्रीन चिली लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून ही लहसुन। 1 छोटा सा अनियन स्मॉल चॉप किया है। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें इसकी मेकिंग में। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। खोल लें अपने इंस्टेंट पॉट को, और ये जो इसका सॉटे मोड होता है ना, वो सबसे पहले मैं ऑन करूँगी। ये देखें, सॉटे मोड ऑन करें तो ऑटोमेटिकली ये 30 मिनट्स के लिए चला जाता है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करके बंद भी कर सकते हैं। 1/2 कप आप इसमें ऑयल डाल लें, और जैसे ये ऑयल थोड़ा सा वार्म हो जाए ना, तो ये सारे खड़े मसाले जो हमने लिए हुए थे ना, ये इसमें डाल लें। अच्छा, इनको फ्यू सेकेंड्स ही आप इनको पकाते हैं ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। 30-40 सेकेंड्स बस इसको पका लें, और ऊपर से आप इस पर डाल दें अब जो हमने चॉप करके अनियन रखा था ना, वो सारा इसमें डाल दें। यहाँ पर आप फ्राइड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ना फ्रेश अनियन ही इसमें डालती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर इसको पकाना होता है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन, और मीन वाइल हम इसमें ये जो अदरक लहसुन है ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो लिया था जिन अदरक, वो मैंने जुलियन कट किया था, और लहसुन को मैंने चॉप किया था। तो ये मिला दें, और इस वक्त तक फ्राई करें जब तक ये सब कुछ ना थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। और अब आप इसमें मिला दें ये मटर। मटर को भी बस आप फ्यू सेकेंड्स ही हिलाए मिलाएंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। अच्छा, मेक श्योर कीजिए कि राइस में बिल्कुल इस वक्त पानी ना हो, आपने अच्छी तरह इसका पानी निकाल लिया हो, क्योंकि बाद में हम इसको जो पानी ऐड करेंगे ना, वो अपने हिसाब से ऐड करेंगे। सारा कुछ डाल के थोड़ा सा अच्छी तरह मिला लें। जब हम इसको राइस को कोट कर देते हैं ना ऑयल के साथ, तो राइस जल्दी जल्दी टूटता नहीं और ख़राब नहीं होता। ठीक है, अब हम इसमें चिकन ब्रॉथ मिला रहे हैं। चिकन ब्रॉथ जो है ना, मैंने यहाँ 2 कप लिया था, 2 कप से कुछ टेबलस्पून ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है ना चावल से बस थोड़ा सा ऊपर है, बस डूब जाए चावल उसमें। अच्छा, सॉटे मोड कैंसिल कर दिया है, लिड को क्लोज़ कर दें। लिड को क्लोज़ करने के बाद मेक श्योर करें कि ये जो सीलर है ना, जो विसल और नॉब जो होता है, वो सीलिंग पे आ जाए। अच्छा, अब हम इसमें लगाएंगे राइस का बटन। देखिए 12 मिनट शो कर रहा है ना, पहले ये ऑटो पे चला जाता है। मीनवाइल मैं आप बैकयार्ड से बाहर का व्यू दिखाना चाह रही हूँ। शाम हो रही है और ये सनसेट का मंजर है, इतना खूबसूरत होता है ये, तो बस मैं सोची थी आपके साथ शेयर करूँ। वापस चलते हैं किचन में। हमारी 12 मिनट की कुकिंग डन हो गई। ये खुद ही चला जाता है की पॉम की मोड पे, यानी दम की मोड पे, लेकिन मैं इसको दम देने से पहले चेक करना चाहती हूँ कि चावल कितना हो गया है। केयरफुली आप नॉब को टर्न करें टूवर्ड्स वेंटिंग, ताकि जो अंदर जितना स्टीम था, भाप था, वो निकल जाए। जैसे ये पिन नीचे जाएगा ना, ये देखिए चला गया ना, अब हम इसको सिक्योरली खोल सकते हैं, अंदर से सारा स्टीम निकल चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है ना, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर है चावल में कि हम इसको दम पे लगाएं, थोड़ा सा हिला मिला लें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये देखें खड़े खड़े हैं ना चावल, बस हिला मिला के इसमें जो हरी मिर्च हमने रखी थी ना, वो ऊपर से डाल दें खुशबू के लिए। लिड को बंद करें, सीलिंग मोड पर लेकर आएँ। अब हम इसे लगाने वाले हैं की पॉम की मोड पे, यहाँ पर लिखा होता है की पॉम, ठीक है, तो इसको प्रेस करें, और जितने टाइम के लिए लगाना चाहें आप लगा लें। मैं 10 मिनट के लिए इसको की पॉम पे रखूँगी। अगर आपको इस वक्त फौरी तौर पर नहीं खाना, तो इस की पॉम की मोड को, जो दम का मोड होता है, इसको बाद में दे दें, क्योंकि जब भी खाना हो उस वक्त ही आप देंगे तो गर्मा गर्म सा उसी वक्त रेडी हो जाएगा। ये देखें मैंने इसी वक्त दम पर दे दिया था, अब इसका हाल देखें, खिले खिले मज़ेदार से चावल बिल्कुल रेडी हैं। और मैं इसमें बासमती राइस यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो सेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उसका थोड़ा बढ़ जाएगा पकाने का। तो चलें जी, इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें, जिस चीज़ के साथ खाना है खाएं, और इसको एंजॉय करें।
जो इंस्टेंट पॉट का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देती हूँ, चाहे आप ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इंस्टेंट पॉट की रेसिपी मैं उन सारे लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ जाने वाले भी हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंस्टेंट पॉट पे पाकिस्तानी फूड शेयर करूँ। तो ये रेसिपी उनके लिए और उनके लिए भी जो इन द नियर फ्यूचर इंस्टेंट पॉट ख़रीदेंगे। अगर इंस्टेंट पॉट पे नहीं पकाना चाहते तो नॉर्मल स्टोव टॉप पे भी आप इसी रेसिपी को फॉलो करके पकाएं, ज़बरदस्त से मटर पुलाव रेडी हो जाएंगे। तो चलें आप इसी तरह पकाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।